तो आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चॉकलेट पीनट बटर, वो भी घर पर और बहुत ही आसानी से। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैजिक स्पून विद नीतू। बहुत ही इजी होता है इसे बनाना घर पे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस चॉकलेट पीनट बटर को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, इसमें हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है इसमें मूंगफली और गैस के ऊपर रख लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम इन्हें चलाते हुए धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा हम इनको गैस से उतार लेंगे। यहाँ पर इनको धीरे धीरे भूनना है ताकि हमारी मूंगफली जो है अच्छे से क्रिस्पी हो। तो यहाँ पर ये देखिए इनका कलर हल्का सा डार्क हो गया है। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, हमारी मूंगफली अच्छे से भुन गई है। अब इसको बाउल में डाल के हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही हमारी मूंगफली ठंडी हो जाएगी हम इसको हाथों से मसल के इसका छिलका उतार देंगे। पूरी तरह से हमें इसका छिलका निकालना है, तो इस तरह से हम हाथों से मसल मसल के इसका छिलका पूरा निकाल देंगे। और ये हमारा जो है छिलका पूरा निकल गया है मूंगफली का। अब इनको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छलनी ले रही हूँ जिससे कि हम इसे छिलके को सेपरेट कर देंगे मूंगफली से। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई छलनी है, इस तरह से हम इसको छान के इजीली निकाल लेंगे छिलके को। और ये हमारी मूंगफली जो है अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अब इसको हम अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसे ही पूरी मूंगफली को मैं छान लूँगी और अलग निकाल लेंगे एक बाउल में। अब हम यहाँ पर ले लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हम डाल देंगे अपनी रोस्टेड पीनट और फिर इसमें डाल देंगे हम चॉकलेट। यहाँ पर मैं मिल्क चॉकलेट डाल रही हूँ, अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है आप वो डाल सकते हैं। फिर एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल, यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। और अब डाल देंगे इसमें एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक लगभग 2 पिंच। अब ढक्कन लगाकर हम इसको पीस लेंगे। पहले ये पाउडर की फॉर्म में होगा और फिर लिक्विड हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा मिक्सचर हमारा पीस गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कोको पाउडर, इससे और भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा हमारे चॉकलेट पीनट बटर का। तो अब इसको फिर से हम घुमा लेंगे थोड़ा सा और ये हमारा चॉकलेट पीनट बटर एकदम से बनकर तैयार है। आप यहाँ पर चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, और ऑयल की जगह आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो ऑलिव ऑयल डाला है, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट पीनट बटर हो गया है रेडी। अब इसको हम डाल लेंगे एक जार में और इसको हम स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक और ये ख़राब नहीं होता है। तो अब से घर पर ही बनाइए बहुत ही सस्ते में चॉकलेट पीनट बटर और अपने बच्चों को खिलाइए। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल रहे। तो अब हम इसको ब्रेड पे लगा के एंजॉय करेंगे अपने चॉकलेट पीनट बटर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।